ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर फर्स्ट वर्स, पहला दूसरा तीसरा, बस पहला दूसरा तीसरा, ओके। यस्यांभसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः। ओ सॉरी सॉरी, सेकंड पढ़ लिया मैंने। सूत उवाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः संभूतं षोडश कलां षोडश कलम आदौ लोकसिसृक्षया। ओके, सूत कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जय, सूत जी कह रहे हैं, जग रहे पौरुषम रूपम। जग रहे मतलब होता है जग रहे, जग रहे वर्ड किसे बनता है, ज प्लस ग्रहे, तो ग्रहे मतलब जगगृहे, जगगृहे, गृह मतलब घर, गृह मतलब घर या ग्रहण करना, ग्रहण गृह, और जगगृहे मतलब होता है पूरी तरह ग्रहण कर लेना, मतलब ग्रहण करके, मतलब ज का मतलब होता है पैदा होना, जहां भी ज आता है पैदा होना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल द्विज, 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 जैसे और कोई एक एग्जांपल है, ज ज क्या है वो, क्या है जातानुरागो, हाँ जातानुरागो, ज आ रहा है ना, अनुराग, अनुराग जाता, ज ज से आ गया क्या, जन्म लेना, जहां पे अनुराग ने जन्म ले लिया, तो जहां भी जाएगा वहां पे आपको समझना पड़ेगा जन्म की सेंस में आ रहा है, जन्मादि से जन्मी है तो जन्मी है ना, ठीक है समझ गए। तो इसका मतलब जग रहे मतलब गृह मतलब ग्रहण करना, ज मतलब ग्रहण इस तरह करना कि आपके हृदय में ही पैदा हो गया वो, ये कभी कभी आप ग्रहण कर लेते हो मगर फिर भूल भी जाते हो, है नहीं, ये भी होता है ना। जग रहे मतलब इस तरह ग्रहण करना कि वो चीज आपके हृदय में पैदा हो गई, तो एस्टैब्लिश हो गई, जग रहे फिर भूलोगे नहीं, इस तरह से पूरी तरह स्वीकार कर लेना जग रहे। सो जब आप पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो आपके हृदय से ही वो प्रकट होती है दोबारा से, है नहीं, फिर जैसे बीज बो देते हैं फिर धरती से प्लांट निकल आता है, तो जग रहे, तो जग रहे पौरुषम रूपम, तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने पौरुषम रूपम एक रूप स्वीकार किया, और कौन सा, पौरुषम, पौरुषम मतलब होता है कि तो पौरुषम का मतलब क्या है ये मुझे बताओ, पौरुषम क्या है, मैंने बताया था नियंता के सेंस में, कंट्रोलर नहीं, पौरुषम वैसे मतलब मैंने बताया था कि कुंती से कौंतेया, तो कौंतेया क्या हो गया, कुंती का पुत्र, या प्रथा से पार्थ, है नहीं, जब जब पहले शब्द को चेंज कर देते हैं तो उसका मतलब उसका बेटा हो जाता है नहीं, तो पुरुष, कृष्ण को क्या बोलते हैं, परम पुरुष, पुरुष बोलते हैं, गीता में तो पुरुष ही बोला गया है, तो पुरुष का बेटा क्या हो गया, पौरुष, बेटा कह लो या अंश कह लो, अब भगवान का बेटा तो जग रहे पौरुषम रूपम, भगवान का, भगवान ने एक रूप लिया जो उनका अंश था, पौरुष से ही वर्ड पता लग समझ आ रहा है कि भगवान ने एक अंश के रूप में विस्तार किया, समझ रहे हो, मतलब अब हम कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, ये समझ आ, कृष्ण याद होती तो क्या वर्ड आता, पुरुष या परम पुरुष, मगर अब पौरुष आ रहा है, इसका मतलब कृष्ण के एक अंश की बात कर रहे हैं इस श्लोक में, जग रहे पौरुषम रूपम, और वो अंश कौन है अब बता रहे हैं, भगवान, वो अंश भगवान ही है,
महद आदि भी, वो अंश क्या है? वो अंश वो है जिसने महातत्व ये सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना तो नहीं की, मतलब हाँ सृष्टि में जो महातत्व है पृथ्वी जल वायु अग्नि इसकी रचना की। तो किसकी बात हो रही है? पृथ्वी जल वायु अग्नि महाविष्णु कर्णोदक साहिब विष्णु, महाविष्णु की बात हो रही है। महाविष्णु रचना करते हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि ओरिजिनल एलिमेंट्स महातत्व, मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि के भी पहले जो जो सूप था मिला हुआ वो बनाया है उन्होंने, समझ गए? जैसे मिट्टी का गारा नहीं है, महाविष्णु मिट्टी का गारा मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि का एक वो बना दिया गारा, तो वो बन गया पूरा सूप सा, वो उसको कहते हैं महातत्व। तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है महातत्व, एक होता है सबसे पहले होता है प्रधान, हाँ महातत्व प्रधान, और फिर उसके बाद होते हैं तत्व पंच तत्व, समझ गए? सबसे पहले होता है, सबसे पहली चीज होती है प्रकृति, फिर उसके बाद होता है प्रधान, फिर उसके बाद होता है महातत्व, और फिर उसके बाद होता है पंचतत्व। तो प्रकृति किसने बनाई है? प्रकृति तो नित्य है, नहीं नित्य है, जैसे कृष्ण नित्य है, प्रकृति नित्य है। प्रकृति क्या है? प्रकृति कृष्ण की शक्ति है, शक्ति शक्तिमान अवेद है ना, यही है ना, शक्ति शक्तिमान अवेद। जब शक्तिमान है तो शक्ति भी है, शक्ति भी है शक्तिमान, वे अलग तो कर नहीं सकते। सूरज है सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी है सूरज है, जब से सूरज है तब तक सबसे रोशनी है, जब से रोशनी है तब तक सूरज है नहीं। तो भगवान की शक्ति को बोलते हैं प्रकृति, और फिर उस प्रकृति को धीरे धीरे, अब प्रकृति दिखाई नहीं देती, वो तो शक्ति है ना, जैसे अब आपकी शक्ति है, रूबेलास की शक्ति दिखाई देती है, दिखाई दे रही है नहीं, मगर है शक्ति है ना, कहां है, कहां है नहीं बताना, अंदर है ना। तो प्रकृति भगवान की शक्ति होती है, दिखाई नहीं देती, भगवान में होती है शक्ति। अब जब भगवान उसको बाहर लेके आते हैं, आप नहीं ला सकते, भगवान ला सकते हैं बाहर अपनी शक्ति को, उसको बोलते हैं प्रधान। जब शक्ति बाहर आती है भगवान के, उसको प्रधान बोलते हैं, प्रधान। बाहर आ गए मगर अभी दिखाई नहीं दे रही, बाहर है मगर दिखाई नहीं दे रही। जैसे जैसे वो नहीं तो मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट, मैग्नेट देखा है? मैग्नेट तो मैग्नेट के अंदर भी आकर्षण होता है मगर मैग्नेट के पास भी होता है नहीं। आप यहां लाओ एकदम से इतना वो रीजन होता है उसमें चिपकाने लगता है, होता है नहीं होता है, देखा मैग्नेट, देखा इन लोगों ने? तो अंदर भी है उसकी शक्ति, बाहर भी है, ऐसे ऐसे होती है ना पूरी। तो जो अंदर होती है मैग्नेट की शक्ति समझ लो, उसको बोलते हैं प्रकृति, और जो बाहर हो गई वो क्या हो गया? प्रधान, जो फैली हुई है। तो भगवान ने अपनी प्रकृति को बाहर निकाला, अपने हृदय में से बाहर निकाल दिया और वो प्रधान हो गया, मगर वो भी दिखाई नहीं दे रही। तो उस प्रधान को फिर भगवान कुछ करते हैं, आवरा का डावरा जो भी है, और वो दिखाई देने लगती है, और उसका नाम क्या है? महातत्व। वो दिखाई, वो कैसी दिखाई देती है? पूरा एक सूप दिखाई देता है, इसमें पृथ्वी जल वायु अग्नि बुद्धि अहंकार सब मिला हुआ होता है, मतलब गारे की तरह होता है वो, और घूमता रहता है जै 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 जै, ऐसे होता है वो एक अंडे की तरह, गोल्डन एग। तो वो उसको महत्तत्व कहते हैं, और फिर वो उस महत्तत्व से क्या निकालते हैं भगवान? पंच तत्व निकालते हैं, वो सब एक साथ मिला हुआ ना, फिर उसमें से निकालते हैं पृथ्वी जल वायु अलग अलग कर देते हैं, और फिर अलग अलग करके इसको तो किसको दे देते हैं? फिर ब्रह्मा जी को देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी उससे बनाते हैं। सो यहां पे क्या कह रहे हैं? भगवान महद आदि भी, उन महाविष्णु ने किसकी रचना की? महातत्व की रक्षा की रचना की, और उस महातत्व से फिर बाद में वो क्या निकालेंगे? पंचतत्व निकालेंगे। तो महातत्व की रचना कौन करते हैं? वो करते हैं महाविष्णु। तो महाविष्णु की बात हो रही है, कर्णोदक साहिब विष्णु, पहला दूसरा तीसरा और चौथा श्लोक, इनके यहां पर ये प्रमाण है कर्णोदक साहिब विष्णु, गर्भोदक साहिब विष्णु, शिरोदक साहिब विष्णु का, और कृष्णा सुप्रीम है,
ये प्रमाण हो रहा है आप पूछोगे ना कि कहां से आया कॉन्सेप्ट कर्णो दक्ष से आया महावैष्णव, ये भागवतम से आया है। ओके संभूतम षोडश कलाम, और महाविष्णु में षोडश कला है। तो षोडश कला क्या होती है किसी को पता है? 16 कलाएं क्या होती हैं, क्या कहते हो? 16 प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल एक्शन। षोडश कला नहीं पता किसी को? षोडश कला संपूर्ण कहते हैं ना भगवान कृष्ण को भी। तो षोडश कलाएं कौन सी हैं? सिंपल है, षोडश कलाएं कौन सी हैं? पांच तन्मात्राएं, पांच तन्मात्राएं। तो क्या होता है तन्मात्राएं? मतलब देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, और क्या है? सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, छूने की शक्ति। वो शक्तियां, अब शक्तियां हैं ना सारी, तो वो पांच शक्ति हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद उन शक्ति के विषय वस्तु क्या हो गए? पांच। मतलब तो देखने के लिए क्या हो गया? रूप। सुनने के लिए आवाज है नी, और ये टेस्ट के लिए रस। तो पांच हो गए, दस हो गए, पांच विषय वस्तु हो गए। और फिर उसके बाद पांच और क्या है? पांच क्या है? पांच विषय वस्तु, पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियां तो चलो ठीक है, सॉरी पांच तत्व हो गए, अग्नि, जल, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पांच तत्व हो गए, पंद्रह हो गए ना, पंद्रह, और एक मन, सोलह। इसको षोडश कला कहते हैं, ये भगवान विष्णु के पास होती है। और फिर जीवात्मा को देते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको दे देते हैं। देवताओं को ज्यादा देते हैं शक्तियां, और मनुष्य को कम देते हैं, कीड़ों को और कम देते हैं, प्लांट्स को और कम देते हैं, ऐसे बांट देते हैं। तो इसको षोडश कला कहते हैं, षोडश कला। समझ गए? समझ गए ना? पांच तन्मात्र क्या है? पांच तन्मात्र, पांच विषय वस्तु, पांच तत्व, और इंद्रिय नहीं, पांच विषय वस्तु होंगी, इंद्रियां तो चलो बनती हैं बाद में। पांच विषय नहीं, मतलब पांच तत्व है ना उनके पास, विषय वस्तु, अग्नि, जल, वायु, तो उनके अंदर ही है। तो वो दोस्तें भगवान में, तो भगवान के अंदर तो शक्ति के रूप में रहते हैं, फिर प्रकट कर देते हैं महत्व से। सो ऐसे है, सो संभूतम षोडश कलाम आदौ लोक शिशिक्षया, और भगवान ने आदि में लोक, इस संसार की सृष्टि की, मतलब लोक शिशिक्षया, जब संसार कि शिशिक्षया, शिशिक्षया का मतलब क्या हो गया? सृष्टि करने की, सी सी बार रिपीट हो रहा है, सृष्टि करने की इच्छा, इच्छा की, आदि में सृष्टि करने की इच्छा के द्वारा भगवान ने फिर महद आदि भी की सृष्टि की है, नी ये आ रहा है। ओके, तो किसकी बात हो रही है? महाविष्णु, जो कि करोड़ों ब्रह्मांड की, इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, महाविष्णु की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया? महातत्व में, हाँ महातत्व में पहले तो 16 कलाएं होती हैं, फिर उसमें से और निकल आते हैं पांच, और मतलब पांच इंद्रियां भी आ गई ना फिर तो, और फिर उसके बाद फिर बुद्धि अहंकार भी आ गया, निकल गया उससे, तो वो डिवाइड होते रहते हैं 24। यस्याम भसी शयानस्य यो, यस्याम भसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्म विश्वसृजं पतिः। किसकी बात हो रही है यहां पर? समझ आ रहा है संस्कृत में कुछ? तो यहां पे बात हो रही है गर्भो दक्षाय विष्णु। क्या कह रहे हैं? यस्याम भसी शयनस्य, यस्य अम्भसी, तो पानी का एक पर्यायवाची शब्द है अम्भा,
संस्कृत में, अंबा 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 कहते हैं, अंबू अंबू कहते हैं, अंबू सुना है, अंबू नहीं पता आपको? नहीं मैं कह रहा हूँ अंबू नहीं पता, पानी हिंदी में नहीं कहते अंबू, पता नहीं क्या, अच्छा संस्कृत में कहते होंगे। हाँ तो पानी के तो पानी के कई कई पर्यायवाची हैं, एक्चुअली पानी के 80 पर्यायवाची हैं, 10 नहीं 80, 10 आपको पता है 80 हैं संस्कृत में, 80 शब्द हैं पानी के लिए, पानी के लिए सिर्फ। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, नीर बारी, संस्कृत में बारी कहते हैं, अंबू सलिल और नीर, पता नहीं नीर तो शायद हिंदी में कहते होंगे, हो भी सकता है, और क्या है, जल तो है पृथ्वी जल वायु अग्नि जल, आपा आपा भूमि रापो, आपा आ गया नहीं आ गया, तो ऐसे 80 हैं पानी के, दैट्स ऑल, पानी कितना स्पेशल, 80 नाम है उसके स्पेशल चीज है पानी। तो सबसे पहले तो जो महाविष्णु ने एक्सपैंड किया अपने आप को, तो महाविष्णु का एक और अंश हुआ, और वो अंश तो वंश कहां पे लेटा, अंबसी, पानी पे आके लेट गया। तो महाविष्णु ने सबसे पहले पूरा ब्रह्मांड बनाया, उस ब्रह्मांड में सॉरी पूरी भौतिक जगत बनाया, भौतिक जगत में फिर ब्रह्मांड बना, उस ब्रह्मांड में आधा पानी भरा हुआ था, और महाविष्णु फिर एक और रूप में प्रकट हुए एक अंश में, और वो रूप पानी पे जाके लेट गया, उसको क्या बोलते हैं, गर्भोदकसा विष्णु, गर्भ गर्भ मतलब गर्भ। तो इस भौतिक जगत में कई ब्रह्मांड हैं अंडे, और उसके गर्भ में उसके अंदर जाके भगवान बैठ गए, उसको बोलते हैं गर्भोदकसा विष्णु। सो ये गर्भोदकसा विष्णु की बात हो रही है। तो महाविष्णु गए श्याम बसी शयनस्य, शयन करा उन्होंने वहां पर, शयन मतलब लेट गए, और लेट के क्या कर रहे थे, योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा का मतलब सोना नहीं होता तो हमारी निद्रा को क्या बोलते हैं, जो दिन में सोते हो दिन की निद्रा को बोलते हैं पाप निद्रा, पाप निद्रा बोला जाता है जो दिन में सोता है, वो उस सोने से पाप विचार आएंगे मन में। अब उसमें भी मगर एक बात है कि सोना क्या होता है, अब थके तो होते ही, जैसे 3 बजे उठो थक जाओगे ना, तो दो मुहूर्त से ज्यादा सोना माना जाता है, मतलब तो एक मुहूर्त होता है 24 मिनट, एक मुहूर्त हो गया ना, दो मुहूर्त कितना हो गया 48 मिनट्स, तो 48 मिनट से ज्यादा सोना माना जाता है आयुर्वेद में, अगर आप 48 मिनट से कम सो रहे हो तो सोना नहीं माना जाता, मतलब 40 मिनट देख लो, 40 मिनट से ज्यादा 40-45 मिनट से ज्यादा सोना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा सो गए तो आप में आके पाप विचार आने शुरू हो जाएंगे, पापमय निद्रा होती है वो, मतलब अंटिल अनलेस आप थके ना हो, मतलब अंटिल अनलेस आपने पूरी नाइट आउट नहीं कर लियो, अगर पूरी रात जाग रहे तब तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर वैसे तो दिन की निद्रा को क्या बोलते हैं, पाप निद्रा। रात की निद्रा को क्या बोलते हैं, जो टाइम पे सो जाया करे, जल्दी सो जल्दी उठो, उसको बोलते हैं स्वाभाविक निद्रा, स्वाभाविक निद्रा बोली जाती है। और जो चैंटिंग है बस सोते हैं उसको विष्णु निद्रा एक चीज ये होती है, तंद्रा भी होती है, तो जनरली इसको तंद्रा बोलते हैं, सही कह रहे हैं, तंद्रा बोलते हैं, जो चैंटिंग और नींद आती है तो वो होती है तंद्रा होती है, सो भी रहे होते हैं नहीं भी सो रहे होते हैं, नहीं वो तंद्रा होती है। और भगवान विष्णु की निद्रा को बोलाता है विष्णु निद्रा, योग निद्रा, या भगवान विष्णु सोते हैं तो उसको योग निद्रा बोलते हैं। तो योग निद्रा निद्रा नहीं हुई, सोना नहीं हुआ, योग निद्रा में भगवान क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, मतलब भगवान की मेडिटेशन को मेडिटेशन नहीं बोला था, ये नहीं बोला था कि भगवान मेडिटेशन में बैठे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान मेडिटेशन में थोड़े ना बैठेंगे, कोई उनको ध्यान
वो तो आराम से बस उनके मेडिटेशन को निद्रा बोलते हैं, मतलब आराम से बैठे हैं सोच रहे हैं, इसलिए बोला जाता है निद्रा कि भगवान ध्यान में बैठे हैं उसका तो कोई मतलब नहीं होगा ना, फिर भगवान ध्यान में बैठे हैं कि भगवान भी क्या ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मतलब कुछ प्रयास कर रहे हैं नहीं, ये मतलब हो गया ना। मगर वेदांत सूत्र कह रही है भगवान को किसी चीज में प्रयास नहीं होता। अब कहो कि भगवान ध्यान कर रहे हैं सृष्टि कैसे बनानी है, अजीब सा लगेगा ना, भगवान को इतनी मेहनत लग रही है ध्यान ही कर रहे हैं, नहीं। इसलिए भगवान के ध्यान को निद्रा बोला जाता है, अपना आराम से सोच रहे हैं, कोई मेहनत नहीं लग रही। इसलिए योग निद्रा वितन वतः, और निद्रा में क्या कर रहे हैं, वितन वतः, वितन वतः मतलब तो प्रभु लग रहे हैं मिनिस्ट्रिंग, प्लानिंग कर रहे हैं, वितन वतः मतलब प्लान कर रहे हैं। और क्या प्लान कर रहे हैं, इस श्लोक में नहीं है क्या 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 तो क्या प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं किस तरह सृष्टि, किस तरह सृष्टि करनी है, प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करना है, किससे कराना है, प्लानिंग चल रही है। इसलिए अगर आप भगवान के पास जाओगे ना मिलने अध्यात्मिक जगत, तो क्या कर रहे होंगे वहां पर, प्लानिंग देख लो आप। आप तो यहां से भाग के गए आश्रम से, यार यहाँ तो बहुत सेवा है, यहाँ प्लानिंग करते रहते हैं, वहां जाके मजे आएंगे, आ गए भगवान आ गए हम, भैया आओ बैठो प्लानिंग करते हैं, मैं कहाँ आ गया, यहाँ भी प्लानिंग चल रही है क्या करना है, सेवा करनी है, हम तो वहां से भाग के आए हैं, यहाँ तो बड़ी सेवा है, वहां भी सेवा है, वहां भी प्लानिंग चलती रहेगी। दैट्स हाउ गॉड डज, भगवान खाली नहीं बैठते, प्लानिंग करते रहते हैं। क्षेमाया, कौन सा श्लोक था क्षेमाया, क्या क्या श्लोक था पिछले, उसमें कहाँ था, नहीं नहीं क्षेमाया च भवाया च, आई थिंक कौन सा श्लोक है, 113। हाँ ये कर रहे हैं वहां पर, यस्य तन्न शुश्रुषु मानानाम अर्हस्य अंगानुवर्णितुम यस्य अवतारो भूतानाम क्षेमाया च, ये कर रहे हैं भगवान प्लानिंग। क्षेमाया च भावाया च मतलब क्या है, क्षेमाया का क्षेम, क्षेम बताए होगा, क्षेम अभाव, क्षेम क्या है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि संसार के लोक की रक्षा कैसे हो, क्षेमाया, जीवात्माओं की रक्षा कैसे होगी, उनका पालन कैसे होगा, रक्षा पालन करके होगा ना। और ये सोच रहे हैं कि नॉन डिवोटी से कैसे पालन हो, डिवोटी से कैसे पालन हो, च भवाया, च भवाया मतलब भूल गए, भवाया च, भवाया च मतलब होता है कि किस तरह उनको मोक्ष मिलेगा, भव सागर से पार हो जाएंगे। क्षेमाया च, अरे भवाया च, ओके इसको क्या हो गया, ऐसे बोलती रहती है, सो बैला है इसको देखकर, ठीक है तो बैल सीटी मारेगा ना ये गाय कुछ करेगी, बुला तो रही नहीं, बचाओ पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। तो भगवान प्लानिंग करते हैं, तो ये एक्चुअली भागवतम पढ़ने से ना आपको याद होने लगेंगे शब्द, बार बार श्लोक दिखते रहोगे, अब आप कोई पूछेगा भगवान क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या बोलोगे, क्षेमाया च भवाया च। इसलिए ये बुक बहुत जरूरी है, इस बुक को आप गाय की तरह चाट जाओगे ना तो बस आप मतलब भागवतम यूं होगी टिप्स पे। तो मैंने भी ऐसे ही करा था, मैं भी बस पढ़ता रहता था, इसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पढ़ते रहो अपने आप याद होने लगेगा, समझ आने लगेगा, फिर ऐसे ही है बस, ये है बस पढ़ते रहो, बस आने लगेगा, पढ़ते रहो जो पढ़ा है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और प्रे करो भागवत से कि आप प्लीज हमें अपना अपना ज्ञान प्रकट कीजिए, भागवत से प्रार्थना करोगे प्रकट करने लगेगी, ये भगवान है ना। सो तो क्या कर रहे हैं प्लानिंग, नाभि हृदाम भुजाद आसीत,
प्लानिंग करते 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 कैसे सृष्टि होगी, कैसे रक्षा होगी, कैसे मंगल होगा, भगवान के हृदय से क्या निकला, नाभि से क्या निकला, नाभि हृदयम भुजाम आसीत, नाभि से निकला हृदयम, हृदयम, हृदयम मतलब होता है नाभि, नाभि के हृदय, हृदय, हृदय क्या होता है, नहीं हृदय, हृदय, हृदय नहीं, नाभि हृदय, हृदय शब्द कहां है, हृदवाग वपुर वीर विदिदन नमस्ते, वो तो अलग है, वो हृदय है, ये हृदय कालिया नाक का वो हृद था, कालिया हृद था वो लेख, कालिया हृद, हृद मतलब लेख, हृद मतलब होता है लेख, लेख क्या कहते हैं, लेख क्या कहते हैं, लेख तालाब, तालाब सरोवर, हाँ सरोवर कहते हैं हृद, और हृद से बनता है हृदया, क्योंकि एक सरोवर यहां भी होता है प्रेम का सरोवर, नहीं हृदय में तो प्रेम सरोवर ही है, भावनाओं का सरोवर है ना, यहां पर वहां पे पानी का सरोवर है, बस इसलिए है हृदय से बनता है हृदय, तो वो ऐसी संस्कृत में ना सब कनेक्ट हो जाते हैं, तो कालिया नाग का, तो कालिया नाग का कालिया हृदय था, सो हृदाम हृद नाभि हृद, भगवान के नाभि में जो सरोवर है या नाभि रूपी सरोवर जो है उससे क्या निकला, अंबुजाद आसीत, अंबुजाद, अंबु मतलब तो इस शब्द का मतलब क्या है, अंबुज का मतलब, अंबुज का मतलब क्या है? मुझे बता दो, कमल का डंडा, नहीं तो इसका कमल कैसे आ गया, अंबुज का मतलब क्या है, अंबु मतलब पानी, ज मतलब जन्म, तो पानी से जन्म लिया है, कौन है, कमल, तो अंबुज का मतलब कमल होता है, तो भगवान के नाभि के रूपी सरोवर से कमल प्रकट हो गया, अंबुजात आसीद, आसीद मतलब हुआ था सृष्टि के आदि में, कमल आ गया, प्लानिंग करते 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 भगवान ने प्लानिंग की और फिर भगवान के नाभि से कमल आ गया, और उस कमल पे कौन बैठे थे, ब्रह्मा, ब्रह्मा बैठे थे, और ब्रह्मा कौन थे, विश्व सृजाम पति ही, भगवान ने अपॉइंट किया उस जीवात्मा को जिसका नाम ब्रह्मा था कि वो विश्व सृष्टि, क्या हो रहा है, क्या कर क्या रे रू बिलास, बंद क्यों नहीं कर देते, कौन कर रहा है फोन, या तो बाहर जाके बात करो, इंपॉर्टेंट है, तो विश्व सृजाम पति ही, विश्व की सृष्टि के पति थे, इंजीनियर, पति मतलब यहां पर क्या है, वैसे तो प्रॉपर लग रहे इंजीनियर मास्टर, तो ब्रह्मा जी सबसे पहले इंजीनियर थे, हम सृष्टि करने तो कोई इंजीनियर चाहिए ना, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया, अब ये इंजीनियर बनेंगे सबसे पहले, सो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कौन से विष्णु से होती है, हाँ गर्भोदक्षा विष्णु, ये कह लो गर्भोदक्षा विष्णु, ये गर्भोदक्षा विष्णु की बात हो रही है, अब उसके बाद तीसरे श्लोक में क्या है, यस यस्यावयव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम् विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। अब ये किसकी बात हो रही है, ये तो वैसे ये किसकी बात हो रही है, लेट्स सी, ये अभी उन्हीं की बात हो रही है, गर्भोदक्षा विष्णु की बात हो रही है, यस्यावयव संस्थान, तो गर्भोदक्षा विष्णु का क्या है, जिनके अवयव संस्थान, अवयव मतलब होता है शरीर, उन गर्भोदक्षा के शरीर में क्या है, कल्पितो लोक विस्तर, पूरा संसार कल्पित है, पूरा पूरा ब्रह्मांड उन गर्भोदक्षा विष्णु के अंदर है, बाहर भी अंदर भी है ऐसे, तो ऋषि मुनि पूरे ब्रह्मांड को गर्भोदक्षा विष्णु के शरीर में कल्पना करते हैं, समझ गए, तो गर्भोदक्षा विष्णु की दो आंखें, एक चंद्रमा, एक सूर्य, ऐसी कल्पना की जाती है,
तो गर्भोदय विष्णु का जो पेट है, जो छाती है वो पूरा स्वर्ग है, भूभुवर स्वाहा, जो पेट है वो भूलोक है, जो पैर है वो रसातल तरातल है, समझ गए? तो गर्भोदक सह विष्णु में अंदर सारे ब्रह्मांड की कल्पना की जाती है, कल्पितो लोक अविस्तर है, यहाँ पे विराट रूप की बात हो रही है। तद वही भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम, और वो रूप क्या है भगवान विष्णु का, विशुद्धम, शुद्धम और शुद्धम। तो शुद्धम और विशुद्धम में फर्क क्या है? विशुद्धम क्या होता है, शुद्धम क्या, विशुद्धम क्या है? हाँ, तो जहां भी वी लगता है ना, वी, तो उसका मतलब क्या है? तो वी का मतलब होता है या तो विलोम, विपरीत। तो विशुद्धम का एक मतलब क्या हो गया? शुद्ध के विपरीत है, क्या हो गया? अशुद्ध। मगर वो तो हम ले नहीं सकते हैं। तो दूसरा वी का मतलब होता है विशिष्ट, दो ही मतलब होते हैं, विशिष्ट शुद्धम। विशिष्ट मतलब स्पेशल तरीके से शुद्ध है, विशिष्ट शुद्धम इति विशुद्धम। ये भगवान स्पेशल तरीके से शुद्ध है, और स्पेशल तरीके से क्या शुद्ध है? तो संसार में लोग शुद्ध हो सकते हैं, भगवान स्पेशल तरीके से शुद्ध है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या है स्पेशल तरीके से शुद्ध? हम जो शुद्ध होते हैं ना, फिर से अशुद्ध हो सकते हैं, समझ रहे हो? हम तो कभी भी माया में पड़ सकते हैं, भगवान कभी भी अशुद्ध, इसलिए उनको विशेष विशुद्धम कहते हैं, स्पेशल तरीके से शुद्ध है। कोई भी जीव आत्मा विशुद्ध नहीं हो सकती, शुद्ध हो सकती है, क्योंकि वो गिर सकती है। भगवान विष्णु विशुद्धम है। तो विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम, और क्यों विशुद्ध है? क्योंकि सत्वम ऊर्जितम, क्योंकि भगवान में सतोगुण है। कैसा सतोगुण? ऊर्जितम। ऊर्जितम क्या क्या होता है? ऊर्जा होती है ना, हाँ, ऊर्जा। भगवान में सतोगुण की ऊर्जा है, हाँ, भगवान सत्वगुण का सोर्स है, बस ये कह लो। मतलब भगवान अच्छाई का सोर्स है, अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है लो, हम तो अच्छे होते हैं, भगवान तो सारी अच्छाई का सोर्स है। जो अच्छाई का सोर्स है वो बुरा कैसे बन सकता है? वो शुद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए उनको बोलते हैं विशुद्धम। विशुद्धम सत्व ऊर्जितम, तो ये गर्भोदक सह विष्णु है। भगवान से कनेक्ट हो जाओगे, सब ही अच्छे बन जाओगे, क्योंकि सोर्स है ना अच्छाई का। तो भगवान से कनेक्ट होना जरूरी है। भगवान से कनेक्ट होने का मतलब है भगवान में मन को रखना पड़ेगा 24 घंटे। वो चैलेंज है, बस चैलेंज वही है, भगवान को मन में रखना। विमला ठाकुर तो कह रहे हैं, विमला ठाकुर ने तो इस तरह भगवान को मन में रख लिया कि भगवान को चैलेंज दे दिया। हमारे लिए तो चैलेंज है भगवान को मन में रखना, चैलेंज समझते हो ना, चैलेंज समझते हो ना सब लोग? हमारे तो चुनौती है भगवान को मन में रखना। विमला ठाकुर ने तो भगवान को इस तरह मन में रखा कि भगवान को चुनौती दे दी कि आप निकल के दिखाओ। नहीं निकल सकते, सो मन में रखना, तो उसको कहते हैं विशुद्धम। तो इसलिए अब इसके अगले श्लोक में कह रहे हैं, पश्यन्ति अदो रूपम, ओ सॉरी, पश्यन्ति अदो रूपम अधभ्र चक्षुषा सहस्त्रपादो रुभुजान, एक मिनट एक मिनट, सहस्त्रपादो रुभुजाननाद्भुतम्, सहस्त्रम ऊर्ध्वश्रवणाक्षिनासिकम्, सहस्त्रमौलयम्बरकुण्डोलस् कुण्डलोलसत्, भगवान के रूप, सुंदर रूप की गुणगान कर रहे हो। गर्भोदक सह विष्णु कितने सुंदर हैं ये बता रहे हैं, सिंपल है संस्कृत। पश्यन्तो अदो रूपम अधप्र चक्षुषा, मतलब उनको देखते हैं, भगवान के रूप को देखते हैं। कौन देखता है? भगवान के भक्त। अधभ्र चक्षुषा, चक्षुषा मतलब आंखों से, और अधभ ये आपका अधभ्र मतलब वो आंखें जिनमें प्रेम है, प्रेम चक्षुओं से देखते हैं। क्या देखते हैं? सहस्त्र पादो उरु भुजान अनाद्भुतम, उन गर्भोदक सह विष्णु के सहस्त्र पाद हैं, हजार टांगे हैं। उरु, उरु मतलब होता है हजार थाईज हैं, हजार भुजाएं हैं, भुजान अद्भुतम, अद्भुत रूप है,
और अगर वो दक्षा विष्णु से मिलोगे जाकर तो उनके हजार पांव होंगे, हजार हाथ होंगे, ऐसे हैं भगवत दक्षा विष्णु। सहस्त्र मूर्ध, सहस्त्र मूर्ध, हजार मूर्धा मतलब सर हैं। सहस्त्र श्रवण, सहस्त्र हर क्या लग जाएगा, श्रवण हजार कान है। अक्षी हजार आंखें हैं, नासिकम हजार नाक है, करोड़ों नाक करोड़ों सर, ऐसे भगवत दक्षा विष्णु आपको पता नहीं लगा कहां से शुरुआत है कहां से अंत है, गर्भ दक्षा विष्णु। सहस्त्र मौल्य और करोड़ों मालाएं हैं, सहस्त्र कुंडलम करोड़ों कुंडल है, सहस्त्र उल्लसत और सब कुछ उल्लसत, सब कुछ चमक रहे हैं। तो सहस्त्र का मतलब हो गया हजार टांगे भी हैं, हजार आंखें, एक तो मतलब ही हो गया, ठीक है, एक और मतलब हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, सहस्र मतलब क्या होता है, अनंत, अनंत शक्ति है, ये भी कह लो भगवान की टांगों में अनंत शक्ति, ऐसा लग रहा है भगवान की आंखों में अनंत शक्ति है, भगवान के कानों में अनंत शक्ति है, और इतनी ज्यादा शक्ति कि सब कुछ चमक रहा है। अब ये भी मतलब अच्छा है ना, मतलब भक्त कौन सा मतलब चाहेंगे, सोचना क्या कहते हैं, पहला दूसरा, क्यों क्यों है, एक लिमिट में हो गया, मतलब क्योंकि जो पहला एक्सप्लेनेशन है ना, हजार टांगे हैं, हजार आंखें हैं, हजार हुए, तो वो थोड़ा मतलब उस नसीमित नहीं है, तो हाँ क्या कह रहे हो, हाँ हाँ, तो उसमें भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है, ऐश्वर्य है ना, हजार टांगे हजार हुआ, आप कहोगे भैया क्या हो रहा है, डर जाओगे, तो अर्जुन भी डर गया था ना, मगर ये जो दूसरा मतलब है उसमें माधुर्य, भगवान का रूप है ना, दो टांगे हैं, दो हाथ है, पूर्ण शक्ति है उसमें, और ग्लो कर रहे हैं, तो वो उस पर ध्यान लगा सकते हो ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो वो भक्तों को वो ज्यादा मतलब अच्छा लगता है। इसलिए भागवतम के हर श्लोक के दो मतलब होते हैं, एटलीस्ट, एक्चुअली कई मतलब है मगर दो मतलब जरूर हो सकते हैं, एक मतलब है तो एक मतलब चलता है आपका ऐश्वर्य परख, दूसरा मतलब चलता है माधुर्य परख, परख परख समझते हो, माधुर्य की दृष्टि से, मतलब एक मतलब है ऐश्वर्य की दृष्टि से, एक मतलब है माधुर्य की दृष्टि से, या दूसरी या यूं कह लो एक मतलब है तत्व की दृष्टि से, एक मतलब है रस की दृष्टि से। अब भागवतम क्या है, पिबतम भागवतम, भागवत तो रस देने आई है, भागवत तत्व तो थोड़ी ना देने आई है, तत्व तो समझाने आई है कि इससे रस पी पाओ, तो हम तो रस वाला मतलब लेंगे ना, हम तत्व वाला मतलब थोड़े ना, हम दोनों में लेंगे, मगर हमें ज्यादा इंटरेस्ट किसमें, रस में, क्योंकि भागवतम देने ही वो आई है ना, पिबतम भागवतम पिलाने आई है, तो भागवतम क्यों पिलाने आई है, रस तो क्या हो गया, रस क्यों पिलाने आई है, क्योंकि भागवतम के अधिष्ठात्री देव कौन है, मतलब भागवतम के मेन डीटी कौन है, कृष्णा, कृष्णा है ना पूज्य, भागवतम का गोल क्या है, कृष्णा, कृष्णा कौन है, रसो वही सह, रस के सागर है, कृष्णा खुद ही रसिक शेखर है, तो कृष्णा आते हैं हम भी क्या बन जाए, उनकी तरह रसिक बन जाए, दैट्स ऑल, जो जैसे वो वैसे ही तो चाहते हैं, उनके सेवक भी ऐसे ही बन जाए, इसलिए रस बांटने आए हैं, इसलिए हम हमेशा हर श्लोक में रसिक मतलब जरूर निकालेंगे, क्योंकि वही तो बनना है, क्योंकि आप भगवान का रस पियोगे तो संसार का रस फिर भूल जाओगे, बस यही ऐसे ही है, अदरवाइज नहीं भूलोगे आप, ऐसा है बस, अगर आप भगवान का रस नहीं पियोगे तो नाम भगवान का ले रहे होगे, रस वहां से चूस रहे होगे, संसार से मजे चल रहा हो, नाम तो चल रहा है हरे कृष्ण स्ट्रॉ लगे संसार में हरे कृष्ण हरे, वहां से रस आ रहा है, भैया स्ट्रॉ भी यहां लगानी है नाम में स्ट्रॉ लगानी है, वहां से आएगा जूस, या भागवत में स्ट्रॉ लगा लो, दैट्स हाउ इट गोस, सो समझे, इसलिए भागवतम का कैसे मतलब चलते हैं, इसलिए भागवतम बहुत डीप है,
तो रसिक लोग ही फिर निकाल सकते हैं भागवतम से रस। ऐसे ऐसे आप पढ़ोगे आपको नहीं पता लगेगा क्या है। तो इसलिए जो रसिक लोग हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए, तो वो बताएंगे हाँ देखो ऐसे फर्क फर्क पता लगा श्लोक का। और उसके बाद अब पांचवें श्लोक में, पांचवा श्लोक, एतत् नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम् यस्य अंशंशेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्नारदादयः। अब किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है शिरोदक्षाय विष्णु, मैं बताऊंगा कैसे। शिरोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है। सो एतत् नाना अवताराणाम, हमें कैसे पता शिरोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है? क्योंकि जितने भी अवतार होते हैं संसार में वो गर्भोदक्षाय विष्णु से नहीं आते, वो किससे आते हैं? शिरोदक्षाय विष्णु। सो गर्भोदक्षाय महाविष्णु तो महाविष्णु कहां लेटे हुए? हाँ मतलब जो बिरजा नदी है और जो कारण सागर है उस पर लेटे हुए हैं नी। और फिर उन्होंने भौतिक सृष्टि बनाई, भौतिक सृष्टि ब्रह्मांड बना दिया, ब्रह्मांड में पानी भर दिया, और पानी पे कौन लेट गए फिर किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु में। फिर ब्रह्मा जी आ गए, फिर सृष्टि ब्रह्मांड में अंदर बन गया, स्वर्ग मतलब वो मेरा अपन लो सॉरी स्वर्ग बन गया, फिर उसके बाद पृथ्वी बन गई, तलातल रसातल पताल वो सारे बन गए 14 लोक। और फिर 14 लोक के ऊपर भगवान ने एक और वैकुंठ बनाया, और गर्भोदक्षाय विष्णु फिर एक और रूप में उस वैकुंठ में चले गए रहने के लिए, और उसका नाम क्या है? शिरोदक्षाय विष्णु। क्यों? क्योंकि उस भगवान के जो प्लैनेट है उसमें पानी नहीं है, उसमें दूध है। शीर, शीर मतलब दूध, खीर नहीं है, शीर मतलब दूध होता है। तो हम कहते हैं वैसे तो खीर, वैसे शीर दूध होता है। बंगाल में दूध को शीर कहते हैं, संस्कृत में भी शीर, खीर को आप शीर नहीं कहते। खीर को क्या बोलते हैं वैसे संस्कृत में? पायस, पायस कह सकते हो आप। हाँ वो तो हो गया, हाँ शीर हो गया वो तो। चलो बंगाली में शीर तो दूध को बोल देते हैं, खीर बोलते हैं, फिर खीर बोलते होंगे। एनीवे जो भी है मतलब, तो वहां पे दूध है चारों तरफ, तो वहां पे शिरोदक्षाय विष्णु है। हमें कैसे पता शिरोदक्षाय विष्णु की बात हो रही है? क्योंकि एतद नाना अवताराणाम, जितने भी अवतार हैं संसार में वो इस एतत मतलब इस रूप से आए हैं, और हमें पता है कि अवतार कौन से रूप से आते हैं? शिरोदक्षाय है। गर्भोदक्षाय विष्णु पार्टिसिपेट नहीं करते। गर्भोदक्षाय विष्णु ने तो ब्रह्मांड बना दिया, ब्रह्मा जी बना दिया, सृष्टि हो गई। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु का रूप लेते हैं, और फिर शिरोदक्षाय विष्णु मैनेज करते हैं सारे लोगों को, 14 लोगों उनका पालन करते हैं और अवतार लेते हैं, बार बार धर्म की स्थापना करते हैं। शिरोदक्षाय विष्णु सब करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहां पे शिरोदक्षा है, तीसरे मतलब तीसरे पुरुष की बात हो रही है। पहला महापुरुष, पहला कौन सा हो गया? महाविष्णु, फिर विष्णु शिरोदक्षा विष्णु। एतद नाना अवताराणाम निधनम बीजम अव्ययम्, सारे अवतारों का बीज है ये एतत, ये पुरुष। कौन सा पुरुष? शिरोदक्षा विष्णु, ये पौरुष, पौरुष कह लो, पौरुषम। निधनम, निधनम मतलब बीज है, निधनम निधनम मतलब होता है सोर्स, बीजम अव्ययम इसका बीज है। सारे अवतार जितने भी अवतार हैं, लीला अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, वरा अवतार, सब किससे आए हैं? शिरोदक्षाय विष्णु से। क्यों? क्योंकि क्योंकि जब भी प्रॉब्लम होती है ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा जी किसके पास जाते हैं? शिरोदक्षाय, शिरोदक्षाय विष्णु का तो अप्रोच ही नहीं है, ब्रह्मा जी पहुंच ही नहीं सकते वहां तक, बहुत नीचे है वो, तो कमल के ऊपर है ना, वो इतनी नीचे है वो अगर ब्रह्मा जी, अगर ब्रह्मा जी मन की स्पीड से भी जाएंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, इतनी दूर है गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा जी के कमल से। वहां मन की स्पीड चाहेंगे तब भी नहीं पहुंचेंगे, मन कितनी फास्ट चलता है, नहीं पहुंच सकते वहां तक। तो इसलिए वहां पे शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विष्णु है, वो जाते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर वो अपने अवतार अवतार लेके अपना जो भी करते रहते हैं जो भी है। कृष्ण भगवान कैसे, भगवान से कैसे बात हुई ब्रह्मा जी की जो?
वो तो भगवान ही प्रकट हुए अपनी कृपा से, फिर कृष्ण भगवान तो अपने गोलोक से सीधा, ब्रह्मा जी ने तपस्या की ना, फिर भगवान प्रकट हो, ब्रह्मांड में सबके लिए कुछ प्रकट नहीं होते, सबके लिए प्रकट होते हैं, सबके लिए प्रकट हो जाते हैं कृष्ण, और फिर उनको भागवतम देते हैं। सुबीजम अभयम यस्य अंश अंशेन सृजन्ते, तो कौन है ये यस्य, जिसके अंश के अंश है, अंश का अंश ही हो गया ना, तो सबसे पहले कौन हो गए, महाविष्णु, महाविष्णु, महाविष्णु का अंश क्या हो गया, गर्भोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु का अंश, हाँ, तो इसलिए अंशेना अंश, अंश अंशेना कह रहे हैं, दो बार अंश बोला है, तो शिरोदक्षा विष्णु की बात हो रही है यहां से हमें, यहां तो यहां पे शिरोदक्षा विष्णु की बात कैसे हो रही है हमें दो शब्दों से पता लगता है, कौन कौन से, नहीं सबसे पहले कौन से, सबसे पहले अवतार, नाना अवतार, अवतार शिरोदक्षा विष्णु से आते हैं, दूसरा पता लग रहा है अंश अंशेना, कि अंश के अंश, इससे पता लग रहा है शिरोदक्षा विष्णु है, सृजन्ते, और फिर वो सृष्टि में, सृष्टि में ब्रह्मा जी की हेल्प करते हैं विष्णु, देव अतिरियन नारादादय, और फिर वो ब्रह्मा जी के कैसे हेल्प करते हैं, वो ब्रह्मा जी को आइडिया देते हैं कि देवी योनि बने, तिर्यक मतलब एनिमल्स बने, और नारद आदया, और फिर उसके बाद नारद ऋषि मुनि बने, फिर मनुष्य बने, ब्रह्मा जी को गाइड करते रहते हैं कि ऐसे ऐसे करते रहो, जब भी प्रॉब्लम होती है कंसल्ट करते रहते हैं, अपना चलता रहते हैं ऐसे है। मतलब वहाँ पर भी सिस्टम बना हुआ है, ऐसा नहीं है कोई सब अपने मन से कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी कंसल्ट करते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, भगवान डायरेक्शन देते रहते हैं, वो अपना करते रहते हैं, चलता रहता है। सो ये पांच श्लोक जो पहले हैं, पहला स्कंद तीसरा अध्याय के पहले पांच श्लोक, महाविष्णु गर्भोदक्षा विष्णु शिरोदक्षा विष्णु, इसका प्रमाण है। कोई पूछेगा कहां से बोल रहे हो भाई ये सब, इतने सारे विष्णु हैं, भागवत से बोल रहे हैं, कृष्णा एक है ये भी भागवत से बोल रहे हैं, समझ गए, कृष्ण को पुरुष कहते हैं और इन महाविष्णु को क्या बोलते हैं, पौरुष, पौरुष, ओके दैट्स ऑल, कोई कुछ पूछना कुछ कहना है, आई विल स्टॉप हियर, इसका पर्पट पढ़ लेना बहुत सही है, इसका तात्पर्य बहुत बहुत सारी चीजें दी हैं। तो भगवान के कहीं, तो भगवान विष्णु के कई अवतार होते हैं पता है, छह तरह के अवतार होते हैं शिरोदक्षा विष्णु के, वो बात भी सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, छह तरह के अवतार हैं पापट में, कौन से, तो सबसे पहले लीला अवतार, लीला अवतार जैसे जैसे राम लीला कर रहे हैं ना लीला, फिर उसके बाद कौन सा होता है, युगा अवतार, हर युग में अवतार लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सतयुग में कौन सा अवतार लिया, हम अवतार, हम अवतार, और ऐसे ऐसे हर युग में अवतार लेते हैं, युगा अवतार कहते हैं, और फिर उसके बाद होता है पुरुष अवतार, पुरुष अवतार कौन से हो गए, यही गर्भोदक्षा विष्णु शिरोदक्षा विष्णु महाविष्णु के, कृष्ण ने तीन पुरुष के अवतार लिए, महाविष्णु पुरुष अवतार हो गए, और फिर उसके बाद शक्त्यावेश अवतार, शक्त्यावेश अवतार जैसे नारद मुनि, तो नारद मुनि किसके शक्त्यावेश अवतार है, भक्ति के, और ज्ञान के शक्त्यावेश अवतार व्यासदेव, और धर्म के शक्त्यावेश अवतार असिता देवला, असिता देवला व्यासो गीता में वो है, और फिर उसके बाद कौन सा अवतार हो गया, और मन मंत्र अवतार पांचवा, बहुत सारे मनु, मनु के रूप में प्रकट होते हैं, मतलब मनुओं को शक्ति देते हैं भगवान, स्वयंभू मनु में भगवान ने शक्ति डाली, या स्वयं या तो कई बार भगवान मनु के रूप में आ जाते हैं, तो वो आपके मन मंत्र अवतार, और छठा है गुना अवतार, गुना अवतार कौन से हो गए, शिव और ब्रह्मा, शिवजी तमोगुण के अवतार, तमोगुण के अवतार हो गए, और ब्रह्मा जी इस तरह से, तो छह तरह के अवतार हैं, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, शायद सारे कर रहे हैं या जो भी है, मगर ये तो शिरोदक्षा विष्णु से छह तरह के अवतार आते हैं, शिरोदक्षा विष्णु से एग्जैक्टली लीला अवतार आते हैं, लीला अवतार, मन मंत्र अवतार, युगा अवतार, और कौन सा हो गया, लिखा नहीं आप लोगों ने, नहीं पुरुष अवतार शिरोदक्षा विष्णु से आएगा, पुरुष अवतार तो, पुरुष अवतार तो भगवान विष्णु कृष्ण से ही आएगा, नहीं तीन पुरुष, शक्त्यावेश अवतार वो भी इनसे आ रहा है,
विष्णु तुलसा विष्णु गुणावतार, हाँ गुणावतार भी विष्णु तुलसा विष्णु से, तो गुणावतार वैसे तो गुणावतार शिरोदक्षा विष्णु से नहीं आएगा, तो गुणावतार कैसे है, गर्भोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु से ब्रह्मा है ना, और शिव और फिर शिरोदक्षा विष्णु तीनों आ गए ना, तो गुणावतार गर्भोदक्षा विष्णु से आता है, लिख लो आप। और महा और कृष्ण से आता है पुरुष अवतार, तीनों पुरुष, तो कृष्ण से कह लो या संकर्षण कह लो एक ही बात है। और फिर उसके बाद बाकी जितने अवतार हैं, चार अवतार, वो शिरोदक्षा विष्णु से आएंगे। कौन कौन से हैं, लीला अवतार, योगा अवतार, शक्ति विस्तार और मन मंत्र अवतार। क्लियर नहीं, क्लियर हो गया नहीं हो गया, क्या हो गया मतलब, गलत तो नहीं लिख रहे? तो गर्भोदक्षा विष्णु से कौन सा अवतार आता है, गुण अवतार, गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, और शिरो और कृष्ण से पुरुष अवतार, और फिर उसके बाद शिरोदक्षा विष्णु से लीला अवतार, युगा अवतार, शक्ति विस्तार और मनमंत्र, ऐसे चलता है बस। सो ये हो गया, ओके कुछ पूछना कुछ कहना है हम ताने। वो तो अलग है, वो प्राइमर्डियल सूप तो वो तो पृथ्वी के शुरुआत में है, आइडिया हो सकता है, हाँ डार्विन ने वहाँ पढ़ पढ़ के लिया होगा, हो सकता है, हो सकता है लिया हो, कुछ कह नहीं सकते। प्रभुपाद ऐसे एक प्रवचन में बोलते हैं कि वो उन्होंने एक पुराण में श्लोक लिखा कि स्पीशीज ऊपर से नीचे तक घूमती रहती है, तो हाँ सोचा कि बॉडी शायद, हाँ हाँ मैं समझ गया प्रभुपाद कह रहे हैं, तो हाँ वो सब वहीं से आइडिया लेके भीड़ भाड़ के कर देते हैं वो लोग। मैं कहा हो भी सकता है पृथ्वी के शुरू में प्राइमर्डियल सूप, सही भी हो सकता है, क्योंकि महातत्व के शुरू में सूप टाइप का है, पृथ्वी के शुरू में भी सूप टाइप का है, हमारे शुरू में भी सूप टाइप का होता है, अंदर सीमन और ओवम जो फ्लूइड मिलते हैं वो सूप टाइप का, सबके शुरू में सब सूप टाइप के ही होते हैं वो सब वहां से वो टक 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 टक, और ये भी इस तो जो बिल्डिंग का गारा भी क्या था, सूप टाइप का था, सबको सूप टाइप का होता है शुरू में, तो हो भी सही भी हो सकता है, गलत नहीं है। प्रलय भी सूप है, अंत भी स्टार्टिंग भी सूप और अंत भी सूप, गरम वाला गरम वाला, सबको सूप ही है। कंफ्यूजन भी किससे शुरू होती है, सूप से, विचारों का सूप बन जाता है तो कंफ्यूजन आ जाती है, सबकी शुरुआत सूप से ही है। एक किताब लिख सकते हैं सूप किताब, और खाना भी सूप से शुरू होता है पता है, होटल में शुरू में सूप देते हैं, शुरू में सूप ही देते हैं, वो भी सूप से शुरू होता है, पाक शास्त्र, पाक शास्त्र में पहले लिखा सूप देना चाहिए, उससे भूख बढ़ती है फिर। ओके क्या पूछना है आप बताओ, कुछ पूछना है तो बोलो फिर अपना। आपने पहले कहा था कि महाविष्णु जो सूप में से निकाल के ब्रह्मा को देते हैं, हाँ, और फिर ब्रह्मा तो उनसे गर्भोदक्षा विष्णु से प्रकट हो रहे हैं, तो महाविष्णु पहले कैसे दे रहे होंगे? नहीं महाविष्णु तो महातत्व बना दिया, फिर महातत्व में से जो पंचतत्व निकालते हैं वो गर्भोदक्षा विष्णु निकालते हैं, उस रूप में निकालते हैं पंचतत्व। वैसे तो महाविष्णु भी पंचतत्व निकालते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की लेयर्स अग्नि जल वायु इसी से बनी है ना, पता है ना, तो महाविष्णु ही निकालते हैं पंचतत्व, फिर गर्भोदक्षा विष्णु, फिर गर्भोदक्षा विष्णु हैंड ओवर करते होंगे ब्रह्मा जी को। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मगर महाविष्णु निकालते हैं पंचतत्व तो, क्योंकि ब्रह्मांड बनाएंगे कैसे, फिर वो लेयर कैसे बनाएंगे, या दोनों ही करते होंगे भगवान जाने, मतलब मैं थोड़ा क्लैरिटी से बता नहीं सकता, बट ऐसे। ओके सो ओके वील फिनिश, तो कौन सा श्लोक याद कर रहे हो आप कल के लिए, कल के लिए कौन सा कर रहे हो? 1, 2, 3 नहीं तो इंपॉर्टेंट ही करना चाहिए, नहीं एक्चुअली ये करना आप, एक्चुअली ये करना फर्स्ट ही करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जगरे पौरुषम रूपम भगवान मदादि भी संभूतम षोडश कलम
आदव लोक शिक्षा, बस ये लीड होगी, इसको आप बोल के फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहला जरूर कर लेना, ये अच्छा श्लोक है, इंपॉर्टेंट भी है। ओके सो वील स्टॉप हियर। अब ये है कि हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय।